सकल के स्वागत जाना हमारे एक नतून ब्लगे और आज हमें जागनान तो कल के एक ट्रिप रही है हमें कल के तारापीठ तो से ही बाइकटार कि पल्यूशन पेपर कराना आई बाइकटाते नतून टायर अपग्रेड कर तो टायरटे अपग्रेड करारे समस्या कि नहीं क्या सामान्य समस्या हे देखते हतो टायरटी ठेक है और नतून बैकर जो टायर दीचे से टायरटी अपग्रेड करार भिडियो आगे करूँ से भिडियोटी कि क्लिप हमें शेयर करो तो तुम्हारा देखते थको और अभी तक जा बागनान बागनान गए ओखान पल्यूशन पेपर का करते हैं टायर चेंज करते तो नतून अपग्रेड हो टायर तो देखले बाइक के टायर का फिट हो टायर कम फिटिंग करो टायर सब ही ठीक आज क्योंकि एक बड़ हार कारण ऊपर दिक्ट एक ठेके जा मटगाटा और क्यों जदि टायर अपग्रेड करते जाओ करते पर साथ ऊपर मटगाटा के चेन्ज कर ले सब भलो है ताच करा सामने पेट्रोल पाम्पटा के पल्यूशन पेपर का करब तो एखान क्रस करते हैं राइट साइड जो है एखान क्रस कर निल सामने ही पेट्रोल पाम्प सामने ही हे एचपी पेट्रोल पाम्प आज तो एचपी पेट्रोल पाम्पे तो ये पल्यूशन पेपर है देखी है ना कि आज के पल्यूशन है तो पल्यूशन होने सार्विसिंग कमप्लीट हो गए देखते गाड़ी कम लगे और पल्यूशन हो गए सब कुछ डान हो जाए फुल तेल तेल बढ़ानो सब कमप्लीट और गाड़ी हमारे 1250 टाका तेल एलो शुद्ध कल सकाले अपेक्षा कल सकाले बेरोनोर अपेक्षा तो एखान हमारे एक माइंड एलो जो सामने एक नदी चौड़ा आछे तो जेटा के सबाई बेनापुर चौड़ा हिसाब से जेने तो ओखाने जा चिंता भावना रही है एखन एखन आपातत बागनानटा क्रस करी तो आमि एखन प्रवेश करे गेलाम बागनान गादियारा रोडे जेटा श्यामपुर हो जाच्छे तो एखान श्यामपुर डिस्टेंस 25 किलोमीटर और गादियार डिस्टेंस हे 34 किलोमीटर तो हमें एखान जाब नुनटिया नुनटिया डान दिखे रास्ता धरे जाब बनापुर चौड़ा डिसेम्बर मास डिसेम्बर जानुरि बनापुर चौड़ा सब समय भीड़ थे कारण एखे पिकनिक खूब भलो एक स्पट तो तुम्हारा एक पर गए देखो तो तुम्हारा बनापुर आसते पर खूब भलो लागे तो अभी एम क्रस कर बागनान कलबाड़ी आर पाँच आईटे रही है बागनान कलबाड़ी एट नुनटिया बजार और नुनटिया बजार पार हो जे डान दिखे जो रास्ता चले गए तो ये हे बनापुर जा डान दिखे रास्ता हे बनापुर दिखे जा रास्ता धरे सोजा चले गए बनापुर जब तो भर रास्ता एक सरु एक नारो तो ये क्यों जी आसो एक देखे गाड़ी चालियो एखान एक माइलस्टोन देखल जो 3 किलोमीटर और बनापुर तो बनापुर प्राय का चले तो इसे ही गेसि बनापुर चरे बाके रास्त गए सामने ही बनापुर चर तो समय हे फिस्ट सीजन तो बहु मानुष एखे फिस्ट करते आसे तो हमें देखते ही पा जो बनापुर चरता कतटा सुंदर ये रास्ता देखते हे सोया चले जा और एखान बनापुर चर रास्ता शुरू होच्छे देखो लेखा आछे बनापुर पिकनिक स्पट तो आमरा ओखाने जाच्छी तो ये देखो बनापुर पिकनिक स्पटे आमरा नामलाम और ये समय होच्छे पिकनिकेर मौसुम तो बहु मानुष एखाने पिकनिके आसे।
অনেকক্ষণ ব্যানাপুরে ছিলাম, তো ব্যানাপুরে দেখলাম যে সব ঠিক আছে, কিন্তু ওই নদীর পাড়টা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। তো এইটা যদি প্রশাসন থেকে একটু ব্যবস্থা নেয়, অথচ ওই ম্যানাপুরের মাঠটাকে বাঁচানো যাবে। তো আমার এইটাই রিকোয়েস্ট যে প্রশাসন থেকে যেন এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখে, কারণ দেখতে পাচ্ছ যে পাড়টা পুরো ভেঙে গেছে। তো যদি বানানোর ব্যবস্থা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। আর ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করছি, অনেকক্ষণ আমি এখানে ছিলাম, তো খুব ভালো লাগলো। আর আমি ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, চলো টাটা বাই বাই, টেক কেয়ার, দেখা হচ্ছে আমার নেক্সট ভিডিওতে। তো আমি কাল যাচ্ছি 31শে ডিসেম্বর, তো কাল যাচ্ছি আমি তারাপীঠ, চলো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো তারাপীঠে, চলো টাটা বাই বাই।